वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कि अभी तक आपको पता था कि मैंने ऑप्टिमा HX हीरो की जो मैंने डुअल बैटरी गाड़ी ली है और इसको मैंने समथिंग 800 किलोमीटर के आसपास चला दिया है और उसमें क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, मुझे क्या प्रॉब्लम आए, वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ आगे। ये रही हो अपनी ऑप्टिमा HX डुअल बैटरी, जो ये गाड़ी है आपको दिखा देता हूँ। न्यू एडिशन है 2022 का और इसकी बात करें तो मीटर कुछ इस तरह है डिस्प्ले इसकी, और 53% बैटरी चार्ज है, मतलब फुल है। और मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये चली है 837 किलोमीटर। और यहाँ पे लाइट के लिए दिया गया है बटन, और ये हॉर्न है, और यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेटर है, आप देख सकते हो दोनों साइड दिखाएगा। और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे भी किस साइड दिया हुआ है, और पीछे का भी देख सकते हो आप यहाँ पे। और रही बात ये आगे की लाइट के बारे में, आप देख सकते हो आगे भी LED बल्ब भी दिया हुआ है, LED बोल सकते हो आप। और यहाँ पे जो मुझे इसकी स्पीड आपको दिखा दूँ कि ये कितनी स्पीड पे जा सकती है गाड़ी, यहाँ पे खड़ी है आप देख सकते हो 45 तक, मतलब 45 मतलब एक खाली गाड़ी चल रही है इसलिए आपको 45 दिखा रही है, बट जब आप पिलियन के साथ बैठोगे तो आपको मैक्सिमम स्पीड 50 के अंदर ही मिलेगी। और इसके बारे में एक ये कि इसका रिमोट भी आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे एक बात और बताने के, यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कलर का दिख रहा है वो स्पीड लॉकर है, मतलब आपको जब हाईवे पे चलते हो तो आपको एक्सीलेटर नहीं देना, तो आप यहाँ पे स्पीड लॉक कर सकते हो 10 सेकेंड तक, आपको एक्सीलेटर इस तरह से वहीं पर रुक के रखना पड़ेगा तो आपकी स्पीड लॉक हो जाएगी। और एक बात करें तो इसके चाबी के बारे में, और ये लॉक हो गया है, और यहाँ पे ओपन और ये चालू, और इसके साथ ये रिमोट भी दिया हुआ है, और ये लॉक का है, ये अनलॉक का है, और तीसरा बटन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वहीं से नहीं दिया। और एक गाड़ी कहाँ पर है आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन देता है। और अब इसके बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आपको ये बता दूँ कि ये जो मटेरियल है फिक्सिबल दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इसके सीट के वजह से, क्योंकि इसके सीट ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पे समझ लो किसी को कुछ ज़्यादा बड़ा सामान रखना हो तो ये हार्ड मटेरियल होगा तो आपका टूट सकता है, बट इसका सॉफ्ट मटेरियल है इसलिए आप जब भी सामान रखोगे तो ये दब जाता है, मतलब इसको कुछ होगा नहीं, इसलिए कंपनी ने इस तरह से बनाया। लोग बोलते हैं कि टकला दिए चालू है, वो चालू नहीं है, कंपनी सोच समझ के बनाती है इसलिए। और इसके फुट पैडल इस तरह से, और बॉडी बात करें तो थोड़ी तो यहाँ की पीछे की साइड की सब देखें तो थोड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी में, वो आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो मुझे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई थी कि इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी के बारे में बता दूँ कि आपको, बैटरी में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि इसकी डिक्की ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 और 1, मतलब ये ऊपर वाली फर्स्ट बैटरी और सेकेंड बैटरी इसके अंदर है, और इसके साथ दो चार्जर दिए जाते हैं, एक चार्जर ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाला और सेकंड नीचे है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई थी कि जब आप बैटरी चार्जिंग करके आप घर में ले जाते हो और वापस लगाने में टाइम निकालने में और अंदर डालने में प्रॉब्लम आती है, ताकि यहाँ पर जो सॉकेट होता है बहुत टकला दिया था, मतलब लूज़ हो जाता है, और जब आप लगाते हो तो अर्थिंग जैसा कुछ होता है, तो मतलब ये धीरे का वर्किंग करता है। फर्स्ट ये प्रॉब्लम है, और सेकंड की बात करें तो यहाँ के जब आप खड्डे या ऑफ रोड पर होते हैं तो वहाँ पे आप गाड़ी चलाओगे तो आपके नट बोल्ट जो है वो आपके थोड़े लूज होने चालू हो जाते हैं, तो आपको घर पे ही आपको जब भी आपको फ्री पड़ो तो आप देख लेना जो बोल्ट ढीले हुए वो आपको टाइट करने पड़ेंगे गाड़ी में, जो मेन जगह है मेरे एक बोल्ट ये टाइट ढीला हो गया था, एक बोल्ट ये हो गया था, और बाकी के ये सब नॉर्मल है वो सब हो गए थे। और सेकंड बात कि जो ये मडगार्ड देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है,
कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे क्रैक आ चुका है। पता नहीं गाड़ी ठोकी थी या कुछ नहीं हुआ, पता नहीं ये कैसे आया, बट मुझे लग रहा है कि शायद जो हाईवे पर जो खड्डे वाले रास्ते आ रहे थे वहाँ पे गाड़ी चलाने के टाइम पे एक क्रैक हुआ है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हिलता है तो यहाँ से टूट गया है। पता नहीं आज सर, आज रविवार है इसलिए मैं आज नहीं जा पाऊँगा सर्विस सेंटर, तो सोमवार को सर्विस सेंटर जाऊँगा। तो मेरी एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप देख, आपको दिख रहा होगा तो शायद यहाँ पे इसका बोल्ट नहीं है, बोल्ट गिर चुका है। जब गाड़ी हिलती है तब यहाँ से बोल्ट मेरा कहीं चल गिर गया है, ताकि ये पूरा लूज़ हो चुका है। और एक्सीलेटर जब देते हैं तो गाड़ी चलती नहीं है। आपको दिखा दूँ कि गाड़ी मेरी चलती नहीं है। ये मेरा भाई है जो मुझे हेल्प कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसको खाली एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी चलती नहीं है आगे। आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम आ रही है, और जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो गाड़ी आगे जाएगी। देखो यहाँ पे मीटर बढ़ गया, ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे सर्विस सेंटर जाऊँगा, ये प्रॉब्लम दिखाऊँगा। आप देख सकते हो टायर घूम रहे हैं। ये मुझे अभी तक एक बैटरी की प्रॉब्लम, सेकंड ये, और थर्ड बोल्ट लूज हो जाते इसके, और चौथे की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। ये टूट चुका है पूरा, ये यहाँ का बहुत ही घटिया क्वालिटी दी है हीरो वाले ने। हीरो वाले को थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी इस गाड़ी के लिए। न्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है मुझे। वो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, बट गाड़ी के बात बोले तो गाड़ी एक स्मूथ चलती है। हाँ, और रही बात की मुझे, जब मैं गाड़ी मैक्सिमम नॉन स्टॉप या 50 या 60 किलोमीटर चलता हूँ तो गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है, तो मुझे चालू करने के लिए वापस लॉक खोलना पड़ता है, तब जाके आगे गाड़ी चलती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। और चार्जिंग का टाइम मैक्सिमम दोनों बैटरी साथ में आप चार्जिंग पे रखोगे तो आपको मैक्सिमम एक बैटरी 5 घंटा लेती है, मतलब दो बैटरी आपको दोनों 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और मुझे रियल माइलेज इसकी मिली है, जो मैं दोनों बैटरी फुल डे में चला था, इसकी रियल माइलेज वो मुझे मिली है 140 किलोमीटर, मतलब एक दोनों बैटरी मिला के मुझे माइलेज 140 किलोमीटर चल जाती है। और रही बात कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेक बहुत धीरे लग रही है, ड्रम ब्रेक समझ लो, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ है। दोनों साइड आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, आप देख सकते हो, और दोनों टायर ट्यूबलेस है। आपको एक बार दिखा दूँ, और काफ़ी लोगों के मेरे बहुत अच्छे व्यू और आपके तरफ से मैसेज आए कि भाई कितने में पड़ी, ऑन रोड प्राइस कितने में पड़ती है, माइलेज कितनी देती है, और आपने कहाँ से ली, आप गुजरात अहमदाबाद में रहते हो तो आपको कहाँ से मिली। तो मैं बता दूँ कि आपको ऑन रोड, आपको अहमदाबाद गुजरात रायपुर में आपको 80,605 रुपये में आपको मिलेगी, और आपको गवर्नमेंट सब्सिडी आपको 20,000 मिलेगी बैक, वो आपको 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी। और रही बात कि आपको समझ लो कि लोन पे करवानी है गाड़ी, तो आपको मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ आपको पहले जमा कराना पड़ेगा, और 1 मंथ के बाद आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी, उसमें आपको जो कलर एडिशन होगा वो आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स मिल चुकी है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और रही बात कि इसके जो टेकिंग डिलीवरी वाला वीडियो था उस पर 1,100 व्यू आ चुके, इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसके अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वो ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस।